अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको स्पेगेटी बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। ये थोड़ी सी चटपटी देसी स्टाइल की रेसिपी है और इसमें जो चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी, उसमें 500 ग्राम मैंने स्पेगेटी ली है, जिसको मैंने बॉईल करके और इसका पानी ड्रेन करके इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसे रखा है, ताकि ये आपस में स्टिक चिपके नहीं। इसके बाद हम लेंगे कैबेज जो कि 1.5 कप है, कैरेट है 1 कप, 1 कप रेड पापरिका है और 2 टर्किश चिलीज ली हैं, जो कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। अगर आप चाहें तो इसे बढ़ा और या कम कर सकते हैं। इसके बाद 1 मीडियम अनियन है मेरे पास, 200 ग्राम चिकन का मीट है जिसको मैंने छोटे पीसेस में कर लिया है, 1/2 कप जो है वो ग्रीन अनियन है, 1/2 कप ऑयल है। ऑयल हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने स्पेगेटी में ऑलरेडी ऑयल थोड़ा सा डाला हुआ है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून गार्लिक, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टीस्पून नमक और 2 से 3 छोटी वाली ग्रीन चिलीज हम यूज़ करेंगे। और अगर हमें पानी नीड हुई तो हम पानी भी इसमें थोड़ा सा यूज़ करेंगे। आए अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। चूल्हे को इस वक्त हमने फुल पे रखा है। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे पैन में, 1/2 कप जो हमने लिया था। तेल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना। साथ ही हम इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे। प्याज जो है वो बिल्कुल हल्की सी हमें कलर में लानी है। उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो एक स्मेल होती है वो बिगड़ जाए। अब लहसुन अदरक हमारा भून चुका है, अब इसमें हम चिकन के जो छोटे पीसेस हमने किए थे उसको ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें व्यूअर्स मैंने चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे चिकन को छोड़ देंगे गलने के लिए। और फिर मैं उसके बाद आपको दिखा रही हूँ इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। चिकन हमारी पक चुकी है तकरीबन, और अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसी में हमने अब आगे वेजिटेबल्स को फ्राई करना है और उसके अंदर से हम नूडल्स को शामिल करके इस चिकन को दोबारा उसमें मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या करना है। ये चिकन को हमने इसमें से निकाल लिया, अब हम इसी कढ़ाई में दोबारा से वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। अब इसमें मैंने कढ़ाई में जो है ये वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं और इसको हम अब फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वेजिटेबल्स को थोड़ा सा क्रंची रखेंगे। बस हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़ी सी सॉटे हो गई हैं। अब इसमें हमें हल्का सा नमक ऐड करना है। बस वेजिटेबल्स जो है मैंने सॉटे कर ली है, इसमें हम हल्का सा नमक ऐड करेंगे और फिर इसे भी हम एक डिश में निकाल लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें अब हम पास्ता ऐड करके स्पेगेटी कर लें। इसमें वेजिटेबल्स को भी हम इसमें निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब हम इसी बर्तन में हल्का सा ऑयल डालेंगे। अब हम अपनी स्पेगेटीज को भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे इसके अंदर। स्पेगेटी को मैंने सॉटे कर लिया है। अब इसके अंदर हम जो हमने चिकन बनाई थी उसको ऐड कर देंगे। मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मैंने चिकन में भी थोड़ा सा नमक ऐड किया है, चिकन 1/2 टीस्पून के करीब। इसमें
टीस्पून मैंने चिकन ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, सोया सॉस, थोड़ा नमक और शामिल करेंगे जो बाकी बचा हुआ नमक है, और साथ ही हम ये वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। नहीं, मैंने इसमें वेजिटेबल शामिल कर दिए, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और हम इसको तकरीबन 10 मिनट और इसी तरह से मिक्स करेंगे। 10 मिनट में इसको और पकाऊँगी, अगर इसमें मुझे ज़रूरत हुई तो मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी ताकि जितनी कसर रह गई इसको गैटी में वो गल जाए। बस मैंने इसे 5 मिनट तक पका लिया और अब एंड में ये बिल्कुल तकरीबन तैयार है। इसमें हम ग्रीन अनियन शामिल करेंगे, थोड़ी सी अनियन हम ऊपर से गार्निश के लिए रखेंगे इसमें। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बनेगा।